हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम एक और टी टाइम स्नैक बनाएंगे, आलू की स्टफ्ड टिक्की, जिसमें हम पनीर और मावा की स्टफिंग करेंगे। स्टफ टिक्की बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 उबले हुए और ग्रेटेड आलू, 1 कप ब्रेड क्रम, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, और इसकी स्टफिंग बनाने के लिए लिए 1/2 कप ग्रेटेड पनीर, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड खोआ, 1 टीस्पून अनियन चॉप्ड, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली चॉप्ड, थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे, उसके लिए मैंने लिया है पनीर। इसमें डालेंगे हम अपना ग्रेट किया हुआ मावा, डालेंगे प्याज, ग्रीन चिलीज, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला। इसको मिक्स करके हम एक तरफ रख देंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हम टिक्की के लिए बनाएंगे बैटर, उसके लिए मैंने लिया ग्रेटेड डालू, बॉइल डाल दी, इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये अच्छी तरह से बाइंडिंग देता है और टिक्की को क्रिस्प भी बनाएगा। इसमें हम डालेंगे नमक, और इन सबको मिक्स करके एक डो की तरह बनाएंगे। हमारी टिक्की का डो तैयार हो गए हैं और हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे स्टफ्ड टिक्की। हमारा टिक्की का डो तैयार हो चुका है और इसकी स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। अब हम स्टफ करेंगे टिक्की, उसके लिए हम थोड़ा सा पहले हाथ पे ऑयल लगा लेंगे और इसका कुछ पोर्शन लेके उसको फ्लैट कर लेंगे।
हमारी सभी टिक्कियाँ स्टफ होके तैयार हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। मैंने ये तेल गरम किया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारी टिक्की फ्राई होके तैयार है। इसी तरह हम अपनी सारी टिक्की को फ्राई कर लेंगे। हमारी कुछ टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ और सेंटर में से काट के आपको दिखाती हूँ।